बॉलीवुड के तमाम बड़े सुपरस्टार त्योहारों का मौका जाया नहीं होने देते हैं और यही बड़ी वजह है कि त्योहारों के मौके पर हमें बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्में देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि साल 2020 की दिवाली काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है और बताना चाहेंगे साल 2020 की दिवाली पर तीन बड़ी फिल्में रिलीज हो सकती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली 2020 पर अपना पक्का मोहर लगा चुके हैं अक्षय कुमार और अक्षय कुमार की पृथ्वीराज बायोपिक दिवाली के खास मौके पर रिलीज होने वाली है। लेकिन दोस्तों अक्षय कुमार अकेले नहीं है जो अपनी फिल्म दिवाली को लेकर आ रहे हैं, ऐसे में दो बड़े सुपरस्टार भी अपनी फिल्मों को लेकर दिवाली के मौके पर आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे सुपरस्टार सलमान खान और ऋतिक रोशन अपनी फिल्मों को साल 2020 की दिवाली पर लेकर आ सकते हैं। बताना चाहेंगे सलमान खान ने भी हाल ही में दबंग 3 के प्रमोशन के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि वो साल 2020 की दिवाली पर कोई बड़ी फिल्म लेकर आ सकते हैं। एक रिपोर्टर ने सलमान खान से पूछा कि भाईजान आपकी ईद तो आ गई, दिवाली कब आएगी? तो इस बात का जवाब देते हुए सलमान खान ने कहा था कि जैसे ही सूरज बरजातिया आ जाएंगे मेरी दिवाली आ जाएगी। तो सलमान खान ने साफ तौर पर कह दिया कि सूरज बरजातिया के साथ वो शायद दिवाली के मौके पर एक बड़ी फिल्म लेकर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल भाईजान सलमान खान अपनी फिल्म राधे की शूटिंग में व्यस्त है और राधे फिल्म के बाद शायद उनका अगला प्रोजेक्ट दिवाली के मौके पर कोई हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो साल 2020 की दिवाली काफी ज्यादा धमाकेदार होगी। इसी के साथ ही अगर ऋतिक रोशन की बात करें तो ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ऋतिक रोशन अपनी इस फिल्म पर जल्दी काम शुरू कर सकते हैं। खबरों की माने तो स्क्रिप्ट पर आधे से ज्यादा काम किया जा चुका है और राकेश रोशन का अगर बीमार नहीं रहे होते तो ये फिल्म कब का फ्लोर पर जा चुकी थी। ऐसे में भी हाल ही में ऋतिक रोशन ने इस बात की जानकारी देते हुए मीडिया से ये भी कहा था कि हम जल्दी क्रिश 4 को लेकर फ्लोर पर आ जाएंगे। बताना चाहेंगे क्रिश फ्रेंचाइजी काफी ज्यादा जबरदस्त रही है और कोई मिल गया से सफर शुरू हुआ और क्रिश 3 पर आकर ये रुका हुआ है। ऐसे में क्रिश 4 को भी लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही है और इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों के बीच देखने को मिल रही है। के निर्देशक राकेश रोशन भी चाहते हैं कि क्रिश 4 को हम काफी बड़े लेवल पर शूट करें। इसके लिए फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा हाई फाई होगा, जिस फिल्म में हमें वर्चुअल वीएफएक्स भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये साफ कहा जा सकता है कि क्रिश 4 अगर दिवाली के मौके पर रिलीज होती तो जाहिर सी बात है तीन बड़े सुपरस्टार दिवाली के मौके पर अपनी फिल्मों को लेकर हाजिर होंगे और साथ ही इन तीनों फिल्मों के बीच हमें जबरदस्त क्लैश भी देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां अपनी फिल्म अक्षय कुमार पृथ्वीराज बायोपिक लेकर आएंगे, जिस फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ ही सलमान खान की कोई पारिवारिक फिल्म सूरज बरजातिया के साथ दिवाली 2020 के मौके पर रिलीज हो सकती है और खबरों की माने तो क्रिश 4 भी शायद साल 2020 की दिवाली पर आ सकती है। तो ऐसे में दोस्तों दिवाली के मौके पर फैंस को सबसे बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है क्योंकि तीनों सुपरस्टारों की एक साथ बड़ी फिल्में रिलीज हो सकती है।